के सामने आ रही है। कल से होगा माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आगाज। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बघेल चंदखुरी में महोत्सव का आगाज करेंगे। देश और प्रदेश के कलाकार चंदखुरी में अपनी प्रस्तुति देंगे। तो सीएम ने विधानसभा में की थी कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा। 24 अप्रैल तक होगा कौशल्या महोत्सव का आयोजन। ये जानकारी, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आगाज होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ आप बता दें कि संवाददाता वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव का रुख करते हैं। वैभव, कहा जा रहा है कि कल से होगा माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आगाज, इसको लेकर के किस प्रकार की तैयारी? देखिए, चंदखुरी जिसे माता कौशल्या का जन्मभूमि माना जाता है, वहाँ पर माता कौशल्या के नाम से एक महोत्सव की शुरुआत हो रही है और कल अक्ति पर्व के मौके पर इसका आगाज़ होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश और प्रदेश के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सरकार की मंशा ये है कि इसके ज़रिए जो छत्तीसगढ़ के पर्यटन है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और ये भी देश और दुनिया को इसे बताया जाए कि छत्तीसगढ़ जो है वो माता कौशल्या की जन्मभूमि है और राम का ननिहाल है और धार्मिक और पुरातात्विक के रूप में जो है छत्तीसगढ़ की अपनी एक प्राचीन जो है विरासत है। तो उस विरासत को जो है संजोने और उसे संरक्षित करने की दिशा में ही इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। कल एक औपचारिक शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे और 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। महोत्सव सिर्फ महोत्सव नहीं है बल्कि एक भावनात्मक लगाव और जुड़ाव भी है छत्तीसगढ़ सरकार का, जो कि हम पिछले 4.5 सालों से देख रहे हैं। अलग अलग मौके पर जो है चंदखुरी में आयोजन होते रहे हैं और ये जो आयोजन हो रहा है उसी का एक हिस्सा है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी का परिचय पूरी दुनिया से कराया जाए और इसमें इस तरह के आयोजन को करना बहुत ज़रूरी है जिसमें देश और प्रदेश के कलाकार आकर के अपनी प्रस्तुतियां देंगे और प्रदेश भर से, और न सिर्फ प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी जो है लोग इस महोत्सव को देखने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें आमंत्रित भी किया गया है सरकार के तरफ से। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो राम वन पद गमन से जुड़े हुए जो मार्ग हैं, जिस मार्ग में तमाम जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों को भी इसी तरीके से विकसित किया जाए और वहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन और महोत्सव होते रहे। ठीक है वैभव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।